हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सब्यसाची ब्लाउज। तो सबसे पहले हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ सबसे मैं पहले मैं शोल्डर का नाप ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने 5.5 इंच लिया है और जो आर्मोल है वो 6.5 इंच ली है और जो ब्रेस्ट की साइज़ है वो 30 इंच है। तो 30 इंच का चौथा भाग 7.5 इंच मैंने यहाँ पर ले लिया है और 2 इंच मार्जिन ऐड कर दिया है। यहाँ से हम लाइन मिला लेंगे। अब हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। ब्लाउज की टोटल लेंथ 13 इंच है। 12 इंच मैंने बॉडी पार्ट लिया है पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ हम 1 इंच लेंगे, आर्मोल की गोलाई लगा देंगे, साइड में भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से 3.5 इंच लेंगे और इसकी जो लंबाई है वो 2.5 इंच लेंगे। दोनों तरफ 1 इंच से थोड़ा थोड़ा कम दोनों तरफ करेंगे और इसको मिला लेंगे। अब जिस तरफ हम नेक कट करेंगे उस तरफ मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया है और 2 इंच पे हम गोलाई लगा देंगे। कप्स वाली जो डार्ट है जो 3.5 इंच पे हमने मार्क की है वही बेल्ट पर भी आएगी। तो ये वाली जो डार्ट है हम इसे यहाँ से कम कर देंगे। बेल्ट मैंने कट कर लिया है, बेल्ट का वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा लिया था सेम नीचे भी वैसे ही ले लेंगे। तो मैंने कट करके उसको चिपका दिया है बेल्ट को। अब यहाँ से भी हम कट कर लेंगे। आर्मोल में 1/2 इंच कट करेंगे। एक बूट तो मैंने कट कर दिया है और एक बूट मैं इसको चिपका के दबा दूंगी। तो यहाँ से 1/2 इंच हो जाएगा। तो ये पैटर्न रेडी हो गया है। यहाँ पे आप नेक ड्रॉ करेंगे तो नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और डीपनेस 7 इंच ली है। जैसा आपको नेक ठीक लगे आप उस अकॉर्डिंग इसमें शेप दे सकते हो। मैंने पिछले भी 2 वीडियो बनाए थे उनमें मैंने वी शेप दिया है। इसमें हम नेक थोड़ा डिफरेंट करेंगे। तो ये बिल्कुल लेवल में है। तो यहाँ हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है। अगर पैटर्न में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। हम यहाँ इसको फैब्रिक पे ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप ब्लाउज में मार्जिन रखना चाहते हो तो आप इसमें 1/2 इंच प्लस कर देना। अगर मार्जिन आप नॉर्मली रखना चाहते हो तो इसमें आप प्लस मत करना। तो यहाँ से मैंने 1/2 इंच प्लस किया है लेकिन मैं मार्जिन इसमें रखना नहीं चाहती इसलिए मैं 1/2 इंच नहीं लूँगी। अब बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट हम डायरेक्ट ही कट करेंगे। तो यहाँ मैंने 5.5 इंच शोल्डर लिए हैं और 6.5 इंच आर्मोल और जो ब्रेस्ट की साइज़ थी वो 7.5 और उसमें 2 प्लस कर देंगे। और यहाँ हम 1.5 इंच की गोलाई लगा देंगे और लेंथ ले लेंगे 14 इंच, क्योंकि हमारा जो ब्लाउज था वो 13 इंच था। तो 1 प्लस मार्जिन ऐड करके हम यहाँ पे 14 इंच पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है।
अब हम जो मेन फैब्रिक है उस पर रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़ा ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, जिस अकॉर्डिंग सेट हो उस अकॉर्डिंग रख के कटिंग कर लेंगे। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम जो लाइन वाला कपड़ा है उसकी जो डार्ट हमने कट की है उनकी सिलाई कर लेंगे। मेन फैब्रिक पे भी ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। अब इन पे नेक पे भी सिलाई कर लेंगे। यहाँ के अंदर की सिलाई हम वहां तक कर, जहां हमने 2 इंच की गोलाई लगाई है वहां तक अंदर की सिलाई हम कर लेंगे। नेक पे आप लेस भी ऐड कर सकते हो। मैंने आपकी ये ड्रेस 3 पीस बनाई है। इस अकॉर्डिंग जिस अकॉर्डिंग नीचे का स्कर्ट और दुपट्टा है उसी अकॉर्डिंग मैंने ब्लाउज रेडी किया है, तो मैं यहाँ पे लेस ऐड नहीं कर रही। कप्स ऐड करेंगे। कप्स को अंदर की तरफ लेके और जिस अकॉर्डिंग कप्स जहाँ सेट होंगे तो सिलाई वहाँ पे हम लगा लेंगे। तो हमारी जो डार्ट हमने लगाई है उस पर हम कप्स को ऐड कर देंगे। दूसरे वाले पे ऐसी इसी अकॉर्डिंग सेट करके और सिलाई कर लेंगे। दोनों पार्ट पे हम अंदर की सिलाई कर चुके हैं। अब यहाँ बीच में से हम जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए हम एक कपड़ा लेंगे, उसकी ऊपर से स्टिचिंग करके और हम सिलाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बूट की सिलाई नहीं की है। अब हम यहाँ पे सिलाई करेंगे, उसके साथ में ही इसको हम अटैच कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पे एक बूट की सिलाई नहीं करनी, बिल्कुल पास पास में ही करनी है। तो बिल्कुल पास में लेते हुए हम इस कपड़े पर इस पर रख के इसकी सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही दूसरा पार्ट लेंगे, इसको भी बिल्कुल पास में से इसको रख के हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। बॉटम के बिल्कुल पास में सिलाई करनी है। जिस अकॉर्डिंग नेक की जो सेफ है उसी अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बेल्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट की जो बॉटम है उस पे से हम सिलाई कर लेंगे। बेल्ट में मैंने 2+ किया है। 13 इंच हमारे लेंथ थी, 12 इंच हमने बॉडी पार्ट ले लिया, तो 1 इंच बचा, उसमें मैंने 2+ कर दिया है, तो 3 इंच आ गया है। इसके ऊपर हम एक बूट की सिलाई कर लेंगे। अब हम इसके पास में रख के देख लेंगे कि बराबर है या नहीं है। तो ये बिल्कुल बराबर है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो बॉडी पार्ट है तो मैंने नीचे की तरफ से आधा इंच कम किया है, क्योंकि बीच में से ब्लाउज उड़ता है। फिर भी आपके ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप 1 इंच डाउन कर सकते हो, इससे ब्लाउज बिल्कुल फिटिंग में आएगा बेल्ट से।
तो हम अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और जो बेल्ट की हमने जो गोलाई दी है बीच में, वो आधा इंच हम छोड़ देंगे ऊपर की तरफ और बाकी सिलाई कर लेंगे। अब इसको सीधा करके अंदर की तरफ सिलाई कर लेंगे जिस अकॉर्डिंग शेप है उसी अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा बेल्ट है वो मैंने साइड में से कट कर दिया है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉटम पे आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। इसको सीधा करके इसके ऊपर एक बूट की सिलाई लगाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको फोल्ड करके हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने नेक की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच रखी है और गला बिल्कुल मैंने गोल में ही कट किया है। बीच में से मैंने कट कर दिया कि पीछे हुक की पट्टी लगेगी। अब यहाँ पे हम एक बूट की सिलाई कर लेंगे। छोटे छोटे कट कर देंगे, इससे फिनिशिंग सही रहती है। इसको सीधा कर देंगे और इसके ऊपर एक बूट की सिलाई लगा देंगे। हम डार्ट लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको कोई मेजरमेंट नहीं बता रही क्योंकि ब्लाउज़ बहुत अर्जेंट है। और दूसरी बात कि हम जो ऊपर से शोल्डर लेते हैं उसके बिल्कुल सेंटर में हम इसको फोल्ड करके फिर हम डार्ट लगाते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके वीडियो और भी डाल रखे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप चेक कर लेना। शोल्डर पे सिलाई कर देंगे। डार्ट भी मैंने 6 इंच की लगाई है और यहाँ पे हम हुक पट्टी लगा देंगे। अब हम बाजू लगाएंगे। तो बाजू मैंने यहाँ पे 10 इंच की ली है और 10 इंच में मैंने 4+ एक्स्ट्रा किया, तो ये मतलब सीधा 10 इंच हो गया। फिर यहाँ से मैंने 3 इंच डाउन कर दिया है और 4 मैंने ऊपर से प्लस कर दिया है, तो 14 इंच ऊपर से हो गया। और नीचे से मतलब 4 और 3, 7 इंच मैंने डाउन कर दिए हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमारी स्लीव्स बन गई है क्योंकि हमें ऊपर से प्लेट्स डालनी है, तो मैंने 4+ कर दिया है। स्लीव्स का अलग से मैंने वीडियो भी बना रखा है मेजरमेंट के साथ में, तो अगर समझ में नहीं आए तो आप चेक कर लेना। जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है वो यहाँ पे हम दबा देंगे। यहाँ हमारी स्लीव लग चुकी है। ऐसे ही दूसरी तरफ लगाएंगे।
अब हम जो बाजू की बॉटम है उसको हम फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि वर्क का ब्लाउज है और मैंने स्लीव्स में अस्तर भी नहीं लगाया, तो हम यहाँ पे कॉटन की पट्टी लगा के फोल्ड करेंगे। इससे बेक में ब्लाउज चुभेगा भी नहीं। अब हम कर लेंगे ब्लाउज की फिटिंग। तो जितना हमने मार्जिन लिया है उतना हम दबा देंगे और यहाँ हमारा ब्लाउज कंप्लीट होता है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ब्लाउज कैसा लगा, ऐसे ही मैं और डिज़ाइन डालती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।